is very, very mad. तुम लोग आज तक प्रेम सहाय की रोबोट को नहीं पकड़ पाए. कंट्रोल बॉस, कंट्रोल. आप जैसे जीनियस, सुपर डुपर जीनियस पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता. कैट मोना, एक सिर्फ तुम ही हो जो मेरी फीलिंग्स को समझती हो, वरना ये सब तो निकम्मे और बेवकूफ लोग हैं. ये देखिए बॉस, मैंने आपके लिए एक रोबो डॉग बनाया है. ये सूंघ के प्रेम सहाय और उसके रोबो को पकड़ लेगा. दिखाओ, देखें जरा कैसे ये प्रेम सहाय को पकड़ेगा. यस बॉस, आप अभी एक नमूना देख लीजिए. अपना रुमाल दीजिए जरा. ये लो, दिखाओ, नमूना दिखाओ. सच? ये क्या नमूना दिखाया है तुमने? मुझे ही नमूना बना दिया. मैडनेस इज वेरी वेरी मैड. मिस्टर मैडमैन, माय नेम इज कोबरा. अगर आपको प्रेम सहाय चाहिए तो वो मैं आपको लाकर दे सकता हूँ. मुझे क्या मिलेगा? जितनी दौलत चाहिए ले सकते हो, लेकिन तुम उसे ढूंढोगे कैसे? उसे हम नहीं बल्कि उसके ही लोग ढूंढकर हमें देंगे. और आज की बड़ी खबर, शहर की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मीनार पर कोबरा नाम के एक खतरनाक अपराधी ने मिसाइल लगा दी है और उसने गवर्नमेंट के सामने अपनी एक मांग रखी है. याद रहे, कोबरा नाम है मेरा और सरकार से मेरी डिमांड ये है कि डॉक्टर प्रेम सहाय जहां कहीं भी हो उसे मेरे हवाले कर दिया जाए, वरना मैं अपनी मिसाइल से सारे शहर को तबाह कर दूंगा. और हाँ, एक बात और. एक तरफ ये आदमी है, दूसरी तरफ मेरा दोस्त है वीर, जो मुझे कितनी रिस्पेक्ट और प्यार देता है. मैंने वीर से झगड़ा ही क्यों किया? मिस यू वीर, तुम कहाँ हो? जिंदू, मुझे पता नहीं चुलबुल कहाँ है. प्लीज जल्दी से चुलबुल को ढूंढकर यहाँ लाओ. ओके बॉस, अभी लो. ये चुलबुल हमेशा परेशान करता रहता है. अच्छा ही हुआ जो यहाँ से चला गया. एक काम करता हूँ, बॉस को कोई दूसरा सीधा साधा सा डोंकी लाकर देता हूँ. अरे क्या सोचने लगे जिंटू, जल्दी करो ना. हाँ करता हूँ, ये लो, ये आ गया चुलबुल. चुलबुल तुम कहाँ थे? पता है ना, तुम्हारे बिना मैं कितना उदास हो जाता हूँ. तो तुम अभी तक गुस्सा हो? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें गाजर ला कर देता हूँ. ये लो, गाजर खाओ और गुस्सा भूल जाओ. धैचू, हरी हरी घास खिलाने के बजाय गाजर दे रहा है. मुझे क्या खरगोश समझा है? मैं नहीं खाऊंगा गाजर, जा. अरे बस बहुत गुस्सा हो गया, अब खाओ ना गाजर. मैं गाजर तो नहीं खाऊंगा, लेकिन हाँ तुझे लात जरूर खिलाऊंगा. क्या कर रहा है? हवाई जहाज बनकर उड़ना है तो लैंड करने के लिए क्या मेरी ही कमर मिली थी तुझे? सॉरी अंकल. वाह वाह, क्या लात मारी है डोंकी ने वीर को. ले बेटा ले, एक गाजर मेरी तरफ से भी खा और एक लात और मार वीर को. हाँ
हाँ हाँ उसे तो मारूंगा ही, पर पहले एक लात तू भी खा। तेरी कमर तोड़ डाली, आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा बंटी के बच्चे। ये हमारा चुलबुल नहीं हो सकता, चुलबुल इतना बदतमीज और गुस्से वाला नहीं है। चुलबुल कहाँ हो तुम? मैं क्यों अपने दोस्तों को छोड़ के आया, अब उससे कैसे मिलूंगा? चुलबुल जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढ कर लाओ। चुलबुल चुलबुल जाओ। चुलबुल चुलबुल वीर, ये तुमने क्या बनाया है? अब इसमें क्या संभालूं? शटलकॉक तो तुमने पेड़ पर अटका दी। तो क्या हुआ, तुम हो ना, जाओ लेकर आओ उसे। ओके। जमीन के नीचे वाइब्रेशन क्यों हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। बाल बाल बचा, ये तो मेटल का सांप है, यानी कि रोबोट है जो मेरे लिए ही आया है। जरूर मैड मैक्स ने भेजा होगा इसे। ये क्या है वीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जहाँ तक चड्डा अंकल की कार का सवाल है वो ठीक नहीं है। चड्डा अंकल, मेरी कार? ओए मेरी कार कहाँ गई? हाँ ये अचानक, अंकल हट जाओ जल्दी। ओए हम हटते नहीं, लोगों को हटाते हैं। जल्दी बताओ कार कहाँ है, आखिर ये गायब कैसे हो गई? अरे कोई मुझे निकालो। कार यहाँ है। इमली वीर भागो यहाँ से। तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, मैं इसे संभालता हूँ। कोई मुझे निकालो यहाँ से। हाँ मैड मैक्स बहुत चालाक है, उसने ऐसा रोबोट भेजा है जो अंडरग्राउंड रह के भी तुम्हें देख सके और पकड़ सके। यही तो प्रॉब्लम है दादाजी, कि वो मुझे देख सकता है लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता। इस प्रॉब्लम का सलूशन तो मेरे पास है, ये लो एक्सरे विजन ग्लासेस। तुम अपनी रोबोटिक आई पर इन्हें पहन लो, फिर तुम भी उसको डिटेक्ट कर सकते हो। ये हुई ना बात दादाजी। दादाजी ये रोबोट तो हमारे घर के नीचे ही है, अभी मैं जिंटू की हेल्प से इसे बाहर निकालता हूँ। जिंटू कहाँ हो तुम? तक दिना दिन दिन, मैं हूँ जिन, मैं हूँ जिन। कहो बॉस क्यों याद किया? जमीन के नीचे एनाकोंडा है, उसे पकड़कर बाहर लाओ। अभी लो बॉस। ओह नो, ये क्या कर दिया तुमने? ये एनाकोंडा नहीं चाहिए, वो एनाकोंडा चाहिए जो इस वक्त हमारे घर के नीचे है। गायब करो इन्हें। जिंटू तुम मेरे दादाजी बन जाओ और मुझे और इमली को एक अंग्रेज बच्चा बना दो। चुलबुल तुम यहीं रुको, जिंटू चलो अब उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढते हैं जिसने अंकल को लूटा था। खाना पीना जहाँ जहाँ, जिंटू भैया वहाँ वहाँ। वीर इमली, ये क्या भेष बना रखा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो इमली के अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें मैं लेकर आया हूँ। उनको लाने की क्या जरूरत थी? तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते क्या? बड़ों से बात करने का ये क्या तरीका है? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी से चुटकी बजाओ और उन्हें वापस भेजो, जल्दी, वरना ठीक नहीं होगा। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। इमली देखा तुमने, देखा
ये अपने दादाजी से ऐसे बात करने लगा है? घर चलो, फिर बताता हूँ तुम्हें। अब दादाजी का नाटक बंद करो और जल्दी से मेरे अंकल को वापस भेजो। तुम भी उसकी तरह ही बात कर रही हो। दोनों को क्या हो गया है? दादाजी आप यहाँ चाट खा रहे हो, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। दादाजी मुझे छोड़ के बचाओ, ये लोग मुझे फिर लूट लेंगे। दादाजी मेरा पीछा छोड़ो, अरे अनजान आदमी पीछा छोड़ो। वीर एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है। अरे ये मेरा हमशक्ल कौन है? ये मेरा हमशक्ल कौन है? नहीं, तुम मेरे हमशक्ल हो। ओ नो, अब समझ में नहीं आ रहा जिंदू कौन है और दादाजी कौन है। ओ दादाजी, मुझे नहीं पता था आप यहाँ आने वाले हैं। ओहो, तो तुम लोग भी टैक्सी ड्राइवर को पकड़ने आए हो। अरे मुझे तो बता देना था। दादाजी दादाजी दो दादाजी, ये सब क्या हो रहा है? अगड़म बगड़म आलम फालम, याद तुम्हारी खो जाए। अभी अभी जो देखा तुमने, याद तुम्हें ना कुछ आए। चलो बेटा, चल के टैक्सी ड्राइवर को ढूंढते हैं। देखो, सारे गांव में हमने सरकटे भूत की जो अफवाह फैला रखी है उसकी वजह से लोगों में एक डर है और कोई भी यहाँ नहीं आता। लेकिन अगर ये लोग हम तक पहुँच गए, फिर हम अपना चोरी का माल यहाँ नहीं छिपा पाएंगे। एक आइडिया है बॉस, कि हम अपना भूत वाला ड्रामा चालू रखें और फिर से भूत बनकर इन लोगों को डरा कर यहाँ से भगा दें। ठीक है, तो शुरू हो जाओ। सब अपना अपना गेटअप पहन लो और इन लोगों को डराना शुरू कर दो। तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। जल्दी जल्दी तैयार हो। अगर उन लोगों ने देख लिया कि हम भूत नहीं हैं, तो हमें ये जगह छोड़ के जाना होगा। हाँ, और ये जगह छोड़ के तुम्हें जेल जाना होगा। इसे भी पकड़ के उस लड़की के साथ डाल दो। वो देखो दादाजी को भी कबूतर बना दिया। दादाजी को कोई कबूतर नहीं बना सकता। आप लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं अंदर जाऊँगा। ठीक है, दोनों अंदर जाते हैं। तुम आगे से जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। और मैं लेफ्ट एंड राइट पोजीशन कवर करता हूँ। गुड बॉय। टाइम क्या हुआ बेटा? भूत 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 बाबा बाबा भूत। अरे कम से कम टाइम तो बता दे यार। तुझे टाइम बताने के चक्कर में मेरा टाइम बुरा हो जाएगा। बचाओ। कहाँ गया? वो भी कितना बेवकूफ है, मुझे यहाँ रख के सबसे टाइम पूछ रहा है। अपने साथ रखता तो मैं खुद ही देख के टाइम बता देता। ये चुप चुप कर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, पर तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो। क्या हुआ, इस तरह आसमान में रॉकेट बने हुए क्यों घूम रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, पकड़ो मुझे। लो
पकड़ लिया। क्या कंफ्यूज करते हो? कभी कहते हो पकड़ो, कभी कहते हो छोड़ दो। अरे इमली, तुम कब आई? बस अभी आई। पर ये सब क्या हो रहा है और क्या क्या राज है तुम्हारे? अरे ये तो मेरा दोस्त जिंटू है। जिंटू एक जीनी है और बस थोड़ा टाइम पास कर रहा है। अच्छा है, इंजॉय करो। और डोंट वरी, मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक्स। इसे आसमान में उड़ने का शौक है ना? चलो आज इसका ये शौक पूरा कर देते हैं। मैं इसकी जासूसी से परेशान हूँ, इसे सबक सिखाना ही होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। देखो देखो, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। अब कभी भी जासूसी नहीं करूँगा मैं तो अब जासूसी कॉमिक्स भी नहीं पढ़ूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। अगड़म बगड़म आलम फालम, या तुम्हारी खो जाए, जो कुछ तुमने अभी है देखा, या तुम्हें ना कुछ आए। पकड़ो उसे, पकड़ो, वो भाग रहा है। अरे पकड़ो उसे, वो मेरा पेट छीन कर भाग रहा है। कोई हेल्प करो प्लीज, उसे पकड़ो। अरे कोई तो पकड़ो उसे। भागकर जाएगा कहाँ? ओए ये आग कहाँ से लग गई? मर गए वो।